हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिक टू लर्न सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म यानी कि कौन सा आइसोमर सीस आइसोमर है और कौन सा आइसोमर ट्रांस आइसोमर है इसे याद करने की ट्रिक तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता क्या है सीस आइसोमर का मतलब होता है सिमिलर ग्रुप्स और एटम्स ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड वहीं दूसरी ओर ट्रांस आइसोमर का मतलब होता है सिमिलर ग्रुप और एटम्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें दोनों एटम्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर में यानी कि सेम साइड में है यानी कि ये हो जाएगा हमारा सी साइसोमर जबकि इस स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर है और दूसरा एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नीचे है यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में हैं तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांस आइसोमर इसी तरह से ब्यूट टू इन के इस स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में है तो हो जाएगा सी साइसोमर जबकि इस स्ट्रक्चर में दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में है तो ये हो जाएगा हमारा आइसोमर बट कई बार होता क्या है कि हम सेम साइड और अपोजिट साइड में कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है आपको करना क्या है कि सीज़ और ट्रांस के स्टार्टिंग लेटर को लिख लेना है तो सीज़ का स्टार्टिंग लेटर है सी और ट्रांस का स्टार्टिंग लेटर है टी तो देखिए जो लेटर सी है इसके दोनों टर्मिनल सेम साइड में हैं, जबकि जो लेटर टी है इसके दोनों टर्मिनल अपोजिट साइड में हैं तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड तो सी साइसोमर और सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड तो ट्रांस आइसोमर। ठीक अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें